जयगांव की मंगलबाड़ी इलाके में रहने वाले प्रकाश गुरुंग इन दिनों अपने पुत्री पूजा गुरुंग के इलाज के लिए डर बदर भटक रहे हैं। प्रकाश गुरुंग एक दैनिक मजदूर है, वहीं उनकी पुत्री पूजा गुरुंग जयगांव के मंगलबाड़ी में एक स्कूल में कक्षा 8वीं की छात्री है। प्रकाश गुरुंग ने बताया कि हेमंडनगंज में लगे हुए मेला को देखने के लिए उनकी पुत्री पूजा गुरुंग अपने कुछ मित्रों के साथ हेमंडनगंज मेला जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में अचानक उनका बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में बाइक चला रहे उनके मित्रों को भी गंभीर चोट लगी है। वहीं उनकी पुत्री को गंभीर अवस्था में सर्वप्रथम हाँसीमारा एयरफोर्स अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे अलीपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के बाद डॉक्टर के द्वारा उसे यहां से कलकत्ता ले जाने को कहा गया, मगर वह बच्ची की बेहतर इलाज के लिए उसे बिहार के पटना अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि पुत्री का दोनों पैर पूरी तरह टूट चुका है, जिसे बनाने के लिए 3 लाख के ऊपर का खर्चा आ रहा है। उन्होंने कहा कि वह एक दैनिक मजदूर है, जिस कारणवश वह इलाज का यह खर्च उठा पाने में असमर्थ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर वह विभिन्न जगह जा रहे हैं, ताकि लोगों के सहयोग प्राप्त हो सके एवं उक्त सहयोग की मदद से वह अपनी बेटी का इलाज करवा ले एवं बेटी इलाज के बाद फिर से सब कुशल अपने घर एवं स्कूल लौट सके। मेरो छोरी को एक्सीडेंट भएको छ, अस्ति मेला जाँदाखेरि एक्सीडेंट भएको छ, अहिले पटनामा पुराएको छु। म सबैलाई निवेदन गर्छु कि सबैजनाले मद्दत गरिदिनु होला भन्ने म आशा राख्दछु। एक्सिडेन्ट चाहिँ मेला जाँदाखेरि यिनीहरू साथी मेला जाँदाखेरि बाटोमा एक्सिडेन्ट भएछ बाइकबाट, अन्त मेरो छोरी जुन चाहिँ गाडीमा चढे बाइकमा चढेको थियो त्यो एकजना केटाले चलाएको छ, दल्ची पारेको, ऊ पनि सिरियस केसमा छ, र मेरो छोरी पनि दुइटै खुट्टा भाँचेर पटना हस्पिटलमा पुऱ्याएको छु। र पहिला त पुलिसले आर्मी हस्पिटलमा पुऱ्याएको थियो हाँसीमारा, हाँसीमारादेखि अलिपुर पुऱ्याए, अलिपुरदेखिको सिलिगुडी, सिलिगुडीदेखिको चाहिँ कलकत्ता लानु भनेर कुरा गर्दै थियो। तर नर्सिङ होममा त्यो प्राइभेट हस्पिटल गभर्मेन्ट हस्पिटलमा त्यति राम्रो ट्रिटमेन्ट नहुनुको कारणले चाहिँ मैले प्राइभेटमा लगेर राखेको छु। त्यहाँ नानी त राम्रै छ, नानीको खुट्टा एउटा अपरेसन भयो, एउटा अपरेसनको ओटीको चार्ज तपाईँको 1.5 लाख रुपियाँ बताउँदैछ, प्लस मेडिसिनहरूको त्यो अरू खर्च त बेसी अर्कै फाल्टु भइहाल्यो। अन्त अर्को खुट्टा अपरेसन भएको छैन र डक्टरले भनेको छ अहिले यो अपरेसनको पैसा दिनु 1.5 लाख, त्यहाँबाट अर्को गर्छु भनेर त्यो गरेको छ। तर हामीले निवेदन गरेर डक्टरलाई त्यो गरेर गराउने कोसिस गर्दैछौँ कि हाम्रो पैसा 2-4 दिन बादमा आउँछ डक्टर साहब भनेर हामीले त्यो गर्छ। मेरो नाति नै बिमारी छ, एक्सिडेन्ट भयो राति मेला जानु भनेर, जबरजस्ती गरेर मेला जानु हुँदा आज एक्सिडेन्ट भएर यस्तो यस्तो दुर्घटना भइरहेको छ। यहाँबाट के अरे पटना पुऱ्याएको छ, सिलगढीमा भएन, सिलगढी लगाएको, सिलगढी भएन, त्यहाँदेखि पटना पुऱ्याएको छ। के गर्नु, अब गरिब छु, 50 रुपियाँ छैन सर, अब तपाईँहरूको मद्दत चाहन्छु। Kitchen Gallery, exclusive showroom for modular kitchen, aquarium, fish and pets. Glass Corner, MG Road, Jaigaon. Himalayan Optics, eye care and contactless clinic, computer eye testing, हर तरीके की power glasses, branded चश्मा और हर तरीके की stylish sunglasses उपलब्ध है। तो आज ही आइए हिमालयन ऑप्टिक्स, हनुमान मंदिर रोड, जयगांव। कॉन्टैक्ट नंबर
03566265101।